नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका पहला हो गया था। पहले 10 सवाल हम लगवा दिए थे, कुछ इजी सवाल थे। आज से उससे कुछ हम हार्ड की ओर चलेंगे, कठिन सवाल की ओर चलेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल है आपका, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इजी ले लेते हैं, कल आपको इस तरह लगवाए थे सवाल। लिखा हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, तो f बराबर आपका कह रहा है 46 सेंटीमीटर। और क्या निकाला है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है, वो फार्मूला क्या होता है, r बराबर होता है 2f होता है, या फिर r बराबर हो जाएगा 2 इंटू एफ का मान 46 है। अब आप जान गए होंगे इसका आंसर कितना आएगा, 46 2 जा कितना होता है, ये आपका 92 होता है, कर लीजिएगा 45 90, हाँ सही 92 होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण है तो आप जानते हैं ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अंदर की ओर क्या होता है, पेंटिंग होता है, इसको हम डॉट डॉट्स दिखा दे रहे हैं, ये पेंटिंग हो गया, बाहर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। ये मान लेते हैं ये आपका इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये पॉइंट ध्रुव हो गया, आप जानते हैं इसका सेंटर कहीं इसके अंदर यहाँ पर सी बनेगा, ये गोला है, गोले का सेंटर कहाँ होता है, कहीं बीचों बीच में होता है, तो यहाँ सेंटर इसका यहाँ होगा, और इधर की दूरी क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है, इधर की दूरियाँ क्या होती है निगेटिव होती है, साइन कन्वेंशन में बता चुके हैं, और ऊपर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की दूरी क्या होती है निगेटिव होती है, इसकी फोकस कहीं यहां पे बनेगा, फोकस एफ बनेगा। और वस्तु कहां रखा है, वस्तु यहां रखा हुआ है, कह रहा है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी रह जाती है, तो इसका मतलब कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु हो गया, कह रहा है वस्तु के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी रह जाती है, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई का क्या होगा, आधा होगा। सपोज दैट वस्तु की लंबाई क्या है, 10 है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा आपका, 5 होगा। तो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो ऐसा कुछ फार्मूला नहीं दे रहा, सिर्फ क्या दे दिया आपको, u बराबर दे दिया है, u बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें निकालना है फोकस दूरी का मान निकालना है कि फोकस दूरी f कितना होगा, f बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। इससे पहले देखिएगा हमें v पता ही नहीं है, जब v पता ही नहीं तो हम दर्पण सूत्र लगा नहीं सकते, और जब दर्पण सूत्र नहीं लगा सकते हैं तो क्या होगा, हम ये हल नहीं कर सकते हैं, फोकस एफ नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमें पहले v पता करना होगा, और v पता कैसे होगा, उसमें एक शब्द जोड़ दिया है, शब्द क्या कह रहा है, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी होती है, इसका मतलब क्या कह रहा है, आपका जो आई है, आई कितना है, ऑब्जेक्ट का आधा है, 1/2 क्या है, ओ है, या फिर आप कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन निकालने के लिए आप जानते हैं सूत्र, आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई i अपान क्या होता है, o होता है। तो देखिएगा इसको मान लेते हैं कि वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 है, वस्तु की लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, उसका आधा होता है, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, तो वस्तु की लंबाई 2 है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप कुछ भी मान लीजिए, आप कह रहे होंगे कि 2 कैसे मान लिए, 2 सेंटीमीटर, हम इसको 100 मान लेते हैं, चलिए 100 मान के देखते हैं, यदि वस्तु की लंबाई 100 होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, मतलब ये 50 हो जाएगी, तो 50/100 क्या है, वही चीज़ तो है, इसको आप काटेंगे 50 बन जा 50 और 52 जा 100 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हुआ, 1/2 हुआ, तो वही चीज़ आ रहा है, चाहे जितना भी आप, चाहे जो भी आप ले लीजिए, आप जब काटेंगे तो अनुपात 1/2 ही आएगा, ये
वस्तु की लंबाई दो होगी तो उसका आधा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये एक अनुपात दो ही होगा, आप जितना भी चाहे उतना ले लें। मान लीजिए इसको 50 लेते हैं, वस्तु की लंबाई को हम 50 लेते हैं, तो उसका आधा कितना होगा 25, काटेंगे तो अनुपात तब भी कितना आएगा 1/2, हाँ 1/2 आ जाएगा, 1/2, यही चीज आएगा। कह रहा है आपसे, अब देखिएगा आवर्धन हम निकाल लिए, एक आवर्धन बराबर होता है I/O, और I/O बराबर हम क्या कह सकते हैं, इसका एक फार्मूला कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्लस V/U होता है। इसकी तुलना करा देते हैं, देखेंगे यहां से हम V निकालना चाहते हैं तो V कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 1/2 इज इक्वल टू V/U का मान यहाँ पे दे दिया है कितना है 25 है, रख देते हैं 25, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा, ये 25 कितना हो जाएगा 2, V बराबर 25/2 इतना सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका, वस्तु की दूरी 25 थी तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी 25/2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें आवर्धन तो या V का मान ज्ञात नहीं करना है, हमें निकालना क्या है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, F निकालना है। तो सूत्र आप जानते हैं, दर्पण सूत्र होता है, अवतल और उत्तल के लिए दोनों एक ही होता है, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, इसी फार्मूले में आप पुट कर देंगे 1/F इक्वल टू 1/U का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है पुट करेंगे, प्लस V का मान 1/ कितना है 25/2 है पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, जब पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख रहे हैं अच्छा, 1/F बराबर, ये देखिएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा 1/25 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 1/F इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा आपका, आप जानते हैं सेम चीज़ है तो एलसीएम भी सेम होगा 25 हो जाएगा, और 25 1 है तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 और 2 एक दूना 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा F बराबर 1/F बराबर 3/25 हो जाएगा, या F बराबर कितना हो जाएगा 25/3, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी कहाँ बनेगा 25/3, काटेंगे 3 8 24, ठीक है 8.33 ऐसे समथिंग में आ जाएगा। तो ये कहीं यहाँ पर अवतल दर्पण से इस साइड में देखिए प्लस ये दिखा रहा है, प्लस ये दिखाता है कि ये किधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के दाईं ओर बनेगा। और आप जानते हैं उत्तल ये जो फोकस दूरी होता है हमेशा उत्तल दर्पण में क्या होता है पॉजिटिव ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा होता है प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी पूछा था तो फोकस दूरी ये हो जाएगा 25/3। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला सवाल है आपका, कह रहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण से, तो पहले हम अवतल दर्पण का मतलब जो चित्र है उसको बनाएंगे, फिगर तो बनाते हैं हम। आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर आप इसको पॉज करके आप क्या करें नोट कर लिया करिए, साथ साथ में नोट करते चलिए। लिखा हुआ है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बनाएंगे एक अवतल दर्पण, आप जानते हैं ये उभरा हुआ होता है और किनारों पर दबा हुआ होता है, और बीच में इसके पीछे क्या होता है कलई किया हुआ पार्ट होता है इसका, ये कहीं सेंटर पी हो जाएगा, ध्रुव पी हो जाएगा, और इसका सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने क्या बना दिया, ये उत्तल ही बना दिया, अवतल बनाना है हमको, सॉरी कह रहा है अवतल दर्पण, तो आप जानते हैं क्या होता है बीच में दबा होता है और पीछे की ओर पालिश होता है, बीच में दबा किनारे पर उभरा हुआ होता है, ये P हो गया, इसका कहीं सेंटर यहां पे C होगा, ये फोकस क्या हो जाएगा F हो जाएगा। कह रहा है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है हमें। तो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, तो यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है एक वस्तु,
ये वस्तु हो गया आपका। अब आप सोच रहे होंगे फोकस के आगे क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु है का 3 गुना बड़ा वह आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण में आभासी तभी बनेगा, छठा कंडीशन आपको प्रतिबिंब की स्थिति में बताए थे, जब क्या होगा वो ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। जब ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये 30 सेंटीमीटर है, ये आभासी, वह इससे क्या हो रहा है, बड़ा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है यहाँ पर। ये आपका प्रतिबिंब ध्रुव से लेकर यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। ये कह रहा है इससे 3 गुना बड़ा वह आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये वी दिया नहीं हमें, तो वी हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया है आपको, u बराबर दे दिया है। इस ओर की दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, इस ओर की दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये किसका u का मान क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। हमें फार्मूला मालूम है कौन सा, आवर्धन का, m बराबर क्या होता है, i अपान o होता है, और बराबर होता है -v अपान u। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, देखिएगा वस्तु का 3 गुना बड़ा, तो वस्तु जितना है, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज कह रहा है यहाँ पर, जो आपका आई है, आई क्या है, ओ का 3 गुना है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, समझ जाएगा। यहाँ पे 30 नहीं लिखा हुआ है, 3, और ये ओ लिखा हुआ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट वाला है, ये वाला ओ है। तो वस्तु ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई आपका ओ है, आई क्या है, इमेज है आपका। देखेंगे यहाँ पर, रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, पुट करेंगे, अब m को हटा देते हैं, i अपान o बराबर -v अपान u, ये अवतल दर्पण के लिए फार्मूला होता है। i का मान कितना दे दिया, 3 ओ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ओ बटे, ये o को ऐसे रहने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस v का मान पता नहीं, निकालना है हमें v, अपान u का मान कितना है, -30 है, तो -30 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, O से O कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी कि V बराबर कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है, तो ये भी दूरी किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में, मात्रक जरूर लिखा करिए। तो V और U का मान हमें पता हो गया, V देखिएगा ये पॉजिटिव होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव क्या होता है, ये कलई किए हुए भाग के पीछे बनेगा अवतल दर्पण में, और वस्तु कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। अब देखिएगा V U पता हो गया, निकालना क्या है हमें, फोकस दूरी कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी हमको निकालना है। तो सूत्र जानते हैं आप लोग, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र एक ही होता है, दर्पण सूत्र, वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या फिर 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/u का मान कितना है, -30 प्लस 1/v का मान कितना है, 1/90 दिया हुआ है, इक्वल सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा एलसीएम दोनों का, और 3 3 9, इसको इधर लिख देते हैं, 1/f बराबर 1, इसका एलसीएम 90 हो जाएगा, 30 90 हो जाएगा, और 3 आ गया, 3 9 3, यानी कि -3 हो जाएगा, और इसको विभाग करेंगे 90 9 90, 1 आया, 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, या फिर 1/f बराबर लिख सकते हैं ये -2/90, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, -1/45, यानी कि आपका इसको पलट देंगे, f बराबर कितना हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर, और -45 सेंटीमीटर दिखा रहा है, माइनस में दूरी आ रहा है, इसका मतलब ये फोकस किधर बनेगा, इस साइड में कहीं यहाँ पर बनेगा, ये आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। तो इस वस्तु का फोकस कहाँ होगा, इस 45 ध्रुव से 45 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। देखिएगा फिर अगला सवाल लिखते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला सवाल कह रहा है आपसे, ये वाला हो गया है, फिर देखेंगे अगला सवाल, ये है आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। इसका अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रत्येक दिशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपका आभासी वाला सेम ऐसा ही सवाल है, आभासी के लिए 3 गुना बड़ा वह आभासी के लिए सवाल लगवा दिए हैं, वास्तविक लिखा हुआ है, जब ये वास्तविक कहेगा तो वास्तविक के लिए जो आपका यहां पर मान रखा था आपने,
वास्तविक के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। और जो ये v का मान है, ये v का मान यहाँ पे क्या रखेंगे आप, ये v का मान प्लस 90 ना रख करके क्या रखेंगे, माइनस 90 रखेंगे। और जब माइनस 90 रखेंगे वास्तविक के लिए, फिर आपका आंसर क्या होगा, लगभग में 22.5 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितना आंसर आता है। तो ये वाला सवाल हम आपको लगवा नहीं रहे हैं, सेम ऐसे 13वां जैसा है, तो ये सवाल आपको हम लगवाएंगे नहीं। ये 14 वाला सवाल देख लीजिएगा, क्या करना है फिर से एक बार देख लेंगे। वास्तविक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 90 है, वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब यानी कि ये इस पीछे की ओर नहीं बन रहा है, आगे की ही बन रहा है। और इस ओर की दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। और जब नेगेटिव होती हैं तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस 90 ना रखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 90 लिखेंगे। और जब रखेंगे मान, तो आप सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, 22.5 समथिंग में आएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिएगा 14 वाला हम करते हैं। 14 वाला कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। निकालते हैं इसको, इसको इरेज कर रहे हैं हम। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ये फोकस दूरी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 10 है और ये कितना है आपका, 15 है। तो इसको इरेज कर दीजिए आप, ये कहीं फोकस दूरी के आगे यहाँ पर स्थित है। ये आपका 10 और 5 इसको मिला लीजिए, तो कहीं यहाँ पे बनेगा आपका 15 सेंटीमीटर आएगा। ये वस्तु आपका हो जाएगा वस्तु, ये वस्तु आपका ए बी यहाँ पे कहीं स्थित है। इसकी यहाँ से ध्रुव से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और दूरियां इधर कह रहा है आपसे अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, पकड़ लेंगे इसको पहले आप, अवतल दर्पण है। तो दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। जब तक आप सवाल में आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम कौन सी दूरी किसमें लेना है। ये तो आप रट्टा मारेंगे, हम रट्टा मारने पे जोर नहीं देते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद क्या होगा, आप सारी दूरियां आप निकाल लेंगे। साइन कन्वेंशन से आपको पढ़ाए थे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो इसको फिगर बनाएंगे, पहले ये अवतल दर्पण हो गया, अंदर क्या होता है, दबा होता है, किनारों पर उभरा होता है, पीछे की ओर कलई होता है। आप जानते हैं इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा सी, क्योंकि इसकी गोल किसी गोले का कटा हुआ ये भाग होता है। और इसका सेंटर सी हो गया, यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, दिया हुआ है कि वस्तु की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई भी दे दिया है। ये जो वस्तु है वो कितने सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ऑब्जेक्ट O बराबर दे दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, f बराबर दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया, u बराबर दे दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। लेकिन F और U होगा किसमें, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये दूरी हम इस ओर नाप रहे हैं। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऊपर की ओर दूरी पॉजिटिव होती है और नीचे की ओर दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो वस्तु की लंबाई दे दिया है, हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति बताना है, यानी कि V का मान बताना है कि V का मान क्या होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी कि उल्टा होगा प्रतिबिंब, सीधा होगा, पीछे बनेगा, आगे बनेगा, यही सारा चीज बताना है हमको। तो देखेंगे यहाँ पर हम, हमारा फार्मूला आप जानते ही हैं, फार्मूला, चलिए ठीक है निकाल लेते हैं। 1/f बराबर सूत्र होता है आपका, 1/u प्लस 1/v होता है, रखेंगे सबका मान 1/-10 या फिर 1/u का मान -15 इक्वल प्लस 1/ क्या है, v है, इसको इधर पर शांता कर देते हैं, -1/10 प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। साथ साथ में हल क्या करिए आप लोग भी, ये हो जाएगा आपका दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। आप एलसीएम निकालना जानते होंगे इसीलिए हम करवाते नहीं हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 3 जा 30, 3 और 1 जा 3 हो जाएगा, और प्लस 15 2 जा 30, और 15 दो 30, और 15 2 आया, 2 एक 2 बराबर 1/v। देखिएगा फिर ये हो जाएगा आपका -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा बराबर 1/v, या फिर इसको पलट देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और -30 आ रहा है तो -30 क्या दिखा रहा है, ये प्रतिबिंब क्या होगा, कहीं इसके इधर ही ओर बनेगा और इसके इधर ही ओर बनेगा। तो ये कितनी दूरी पर बनेगा, ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी कहीं यहाँ पर होगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी।
30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा आपका, ये ए डैश बी डैश बनेगा। इस प्रतिबिंब की परछाई कहीं यहाँ बनेगी 30 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस ये 2 सेंटीमीटर वाला जो लंबा वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा ये भी पूछ रहा है आपसे, कितना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, आकार कितना बड़ा होगा। तो आप निकाल सकते हैं, सूत्र है आपके पास आई अपान ओ, अवतल दर्पण है तो आई अपान ओ इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपान यू होता है। आई का मान कितना दे दिया है, हम आई का मान निकालना है हमको, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, आई क्या होता है इमेज की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज अपान ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है दिया हुआ है, कितना है 2 है, रख देते हैं बराबर माइनस वी का मान कितना दे दिया है माइनस 30 दिया है, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस 30 अपान यू का मान कितना है आपका माइनस 30 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यू का मान कितना है माइनस 15 है, फिर माइनस 15 रखेंगे फिर से ये माइनस हो जाएगा। 15 × 15 = 30 सो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वस्तु की लंबाई ये देखिएगा इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा बन जाएगा, इसका दूना हो जाएगा, इसका दूना होकर कितना बड़ा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका वस्तु का जो छाया चित्र है 2 सेंटीमीटर के बजाय 4 सेंटीमीटर दिखेगा आपको, यानी कि डबल दिखेगा आपको। और कितनी दूरी पर रहेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा देखिएगा, ये माइनस में आएगा, सॉरी देखिएगा ये माइनस है आपका तो ये माइनस में आएगा, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ये उल्टा बनेगा। माइनस साइन क्या दिखाता है, ऊपर वाली दूरी प्लस और नीचे वाली दूरी क्या होता है माइनस होती है, तो इसका मतलब माइनस हो रहा है तो ये कैसा है उल्टा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा जब होता है तो हम बताए थे आपको, याद रखिएगा वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा रियल इमेज बनेगा, इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ के आगे बनेगा। रियल मतलब क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ के आगे बनेगा और परावर्तक पृष्ठ के पीछे बनेगा, तो आभासी होता है, सिर्फ आभास करते हैं। वैसे भाई पीछे कहां इमेज बनता है आपका, हमेशा इमेज कहां बनता है, आगे ही तो बनता है, मगर क्या करते हैं जब आभासी क्या होता है, जब पीछे आप आभास करते हैं वास्तव में बन नहीं रहा होता है तो उसको कहते हैं आप आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा आपका, सीधा बनता है, याद रखिएगा आभासी में सीधा और वास्तविक में याद रखिएगा उल्टा बनेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये 14 वाला सवाल हो गया। नेक्स्ट है आपका एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर दे दिया है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, इसका मतलब क्या कह रहा है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी u का मान 40 का दे रहा है और v निकालना है वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। v का मान ज्ञात करना है, आप निकाल सकते हैं, देखिएगा इसको निकलवाएंगे नहीं हम, आपको देखेंगे थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसको हम निकलवाएंगे नहीं आपका, थोड़ा समझा दे रहे हैं। साथ साथ में आप भी सॉल्व करेंगे, आगे चल करके यदि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, सब्सक्राइब करते रहेगा और इसको शेयर करते रहेगा, इस सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको हम लाइव क्लास देंगे, आप कुछ पूछेंगे तो उसको हम रिप्लाई भी बराबर क्या करेंगे। तो लाइव क्लास पाना हो तो जल्दी जल्दी इसको शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम लाइव क्लास देना शुरू कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण है, बाहर की ओर कलई है पीछे की ओर, और ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, कह रहा है ये पोल पी हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे इसका फोकस क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, फटाक से बना लिया करिएगा। कह रहा है आपसे फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है, कितना है 48 सेंटीमीटर है, और कह रहा है दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु 48 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, ये ध्रुव 48 तो 40 क्या होगा और कम ही तो होगा, 8 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, यहाँ कहीं वस्तु क्या है ए बी रखी हुई है, ये वस्तु कितनी दूरी कितनी है यहाँ से ध्रुव से 40 सेंटीमीटर कह रहा है। तो जब 40 सेंटीमीटर कह रहा है तो आप वैसे भी समझ जाइएगा ये छठा कंडीशन लागू हो रहा है इसमें, अवतल दर्पण का स्थिति का छठा कंडीशन क्या कहता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु होता है तो वो हमेशा वस्तु कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा ध्रुव फोकस और ध्रुव के बीच में जब भी होगा तो ये क्या होगा दर्पण के पीछे कहीं बनता है, तो पीछे बनेगा, इसका मतलब वस्तु ये पूछा कि इसकी मतलब
कंडीशन बताइए कि प्रकृत क्या होगी, तो आप बता देते कि आभासी होती और सीधा होता, तुरंत ही इसका आंसर आप बता सकते थे। खाली इसको देख के आप इसका जो नंबर है वही देख के आप बता सकते हैं कि यह आभासी होगा प्रतिबिंब और कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब हमें निकालना क्या है इसका, हमें ये प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ से ये v का मान निकालना है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है इसी को निकालना है हमें। तो आप जानते हैं f बराबर दे दिया है आपको -48 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है u बराबर दे दिया है -40 सेंटीमीटर दिया है, और v का मान पूछ रहा है कि v का मान कितना होगा। सूत्र आप जानते हैं, इसी सूत्र में रखिएगा और आप आंसर बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है। इसको हम लगवा नहीं रहे हैं, आप कमेंट करेंगे उसमें हम आपको बता देंगे कि हाँ सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट है आपका सवाल, लास्ट क्या अभी आपको और लगवाएंगे। ये देखिएगा लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण है तो बना लेते हैं पहले, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, बाहर की ओर कलाई कर दीजिए फटाक से और अंदर की ओर दबा हुआ होता है, ये इसका ध्रुव होगा, ये इसका क्या है सेंटर सी है, ये इसका फोकस क्या है एफ है। कह रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या हो गया, इस ध्रुव से लेकर सेंटर तक की दूरी, इस ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, सेंटर आप कर्वेचर बोलते हैं, 38 सेंटीमीटर है। कह रहा है वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु कहाँ रखी है 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो कहीं यहाँ पे वस्तु रखी हुई है आपकी 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस वस्तु की लंबाई कितनी है 32 सेंटीमीटर, ये ए बी वस्तु रखी हुई है। कह रहा है आपसे प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए, बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे आप देखिएगा, थोड़ा सा एक चीज घुमा दिया है, ये r दे दिया है, r बराबर कितना है 38 सेंटीमीटर, तो यहां से आप f निकाल सकते हैं, f बराबर r अपान 2 हो जाएगा, तो यानी कि 38 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आप जानते हैं 19 का 19 19 दुना 38 होता है, तो ये 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये निकल आया, क्या निकला है, ये माइनस में होता है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस में रखेंगे आप तो ये माइनस 19 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, F बराबर माइनस 19 सेंटीमीटर F हो गया। और क्या दिया है आपको, वस्तु की दूरी दिया है, U बराबर कितना है माइनस 32 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है V बता दीजिए, V कितना होगा, निकाल लेते हैं सूत्र ही आपका 1 अपान F बराबर 1 अपान V और प्लस 1 अपान U है, तो 1 अपान F पूछ रहा है, V पूछ रहा है जी, V कितना है माइनस 19 है इक्वल 1 अपान V कितना है निकालना है हमें, और ये क्या है माइनस 1 अपान 1 अपान v इक्वल कितना हो जाएगा, इसको इधर पश्चांतर करेंगे तो माइनस 1/19 और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/32, सही चल रहा है जी, देखते रहिएगा आप लोग भी। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 19 और 32 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा u बराबर 32 सेंटीमीटर, सही दिया है ना, हाँ ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 19 और 32 का एलसीएम लेंगे, जो भी आएगा यहाँ लिखिएगा, फिर यहाँ पे आपका सॉल्व करिएगा, बताइएगा आंसर इसका कितना आ रहा है, इसका भी आंसर बताइए, क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल है आपका, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है फोकस दूरी निकालना है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि u का मान दे दिया है, u का मान कितना है आपका 40 सेंटीमीटर है, और आप जानते हैं उत्तल दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण में u का मान क्या होता है माइनस होता है, वस्तु का प्रतिबिंब v बराबर कहां बन रहा है आपका 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, और आप जानते हैं उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कलई किए हुए भाग के पीछे बनता है, और जो कलई किए हुए भाग के पीछे बनता है तो v का मान किस में लेंगे हम प्लस में लेते हैं, तो ये आपका प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या निकालना है f निकालना है, f बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है, सूत्र होता है 1 अपान f बराबर 1 अपान u प्लस 1 अपान v, निकाल लेते हैं 1 अपान f बराबर 1 अपान कर सकते हैं आप लोग भी -40 प्लस 1 अपान 10 हो जाएगा, या 1 अपान f इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम 40 हो जाएगा, ये माइनस 1 और प्लस 10 4 जा 40 4 1 जा 4 1 अपान f इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3 अपान 40 हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा ये देखिएगा यहाँ पे प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 होगा, या 1 अपान f इक्वल टू, या इसको पलट देते हैं f इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपान 3 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको
तो 3 बन जा 3, 3 × 1 = 3, 1 आया, ठीक है, 3 भागे ऐसे 40 कर लीजिए, तो 13 × 3 = 39 हो जाएगा, 1 आया, 10 दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ गया, 3 × 9 हो गया, लगभग में 3 3 ऐसे आएगा, तो 13.33 इसका आंसर हो जाएगा, f बराबर 13.33, और इसका मात्रक सेंटीमीटर में दिया था, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगला सवाल है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है आपसे, इकाई आवर्धन के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, m बराबर क्या दे रहा है, m बराबर 1 है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले और इकाई आवर्धन के लिए m बराबर 1, यहां पे हमें सिर्फ दिया है f बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब u और v का मान नहीं दिया है, तो m बराबर क्या होता है सूत्र, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो -v/u होता है, तो -v/u लिख दीजिएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा u बराबर क्या मिल जाएगा, -v मिल जाएगा, देखिएगा इसको हटाते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, v बराबर -u हो जाएगा, तो ये v बराबर -u आ गया, f बराबर 20 दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको, वस्तु की दूरी u निकालना है, तो निकाल लेते हैं वस्तु की दूरी u, तो जहां पे v है वहां पे क्या लिख देंगे हम, v के स्थान पे भी u रखेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए, v बराबर कितना हो जाएगा, -u हो जाएगा, 1/f फार्मूला होता है, 1/f बराबर 1/u + 1/v, और 1/f का मान आप किस में रखेंगे, माइनस में कि प्लस में, माइनस में रखेंगे, क्योंकि क्या होगा, जो f होता है वो अवतल दर्पण के आगे बनता है कहीं, और जब अवतल दर्पण के आगे बनता है तो f का मान किस में लेते हैं हम, निगेटिव में लेते हैं, u का मान भी किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 1/-u, और फिर v के स्थान पे क्या रखेंगे, -u रखेंगे, तो -1/u, u यहाँ पे माइनस इसलिए रखें क्योंकि वस्तु भी कहाँ बनता है, आगे बनता है, u दिया नहीं है, तो हम अपने मन से यहाँ पे -u रख दे रहे हैं, या -1/20 = कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम यू ही होगा, -1 और -1, इसका जो जोड़ होगा आप जानते हैं, -1 - 1 क्या होता है, -2/u हो जाएगा, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, u बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट गया, 20 × 40 हो जाएगा, 22 × 40 cm, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, फोर्टी सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। अगला है आपका सवाल, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इससे पहले अभी जस्ट बताए हैं, इसको आप लगा सकते हैं, देख लीजिएगा, नहीं लगा पाइएगा तो बताइएगा, इसका आंसर बताइए, वीडियो लंबा हो रहा है ऐसे ऐसे नहीं लगवाएंगे, फिर देखेंगे नीचे दिए गए परिणामों के आधार पर गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, यहाँ पे एच ओ मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया है, हमें निकालना क्या है, एच आई बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है, इमेज की लंबाई निकालना है हमें, सूत्र वी देखिएगा पता नहीं है यहाँ से, ये तो हम लगा देते हैं, क्या होता है I/O = -V/U, यही सूत्र लगा देते हैं आ जाता है आपका, लेकिन V दिया नहीं तो V पता कर लेते हैं पहले, इसीलिए U और F दे दिया है आपको, तो सूत्र होता है आपका 1/F = 1/U + 1/ क्या होता है, V होता है लिख देंगे, फिर देखिएगा 1/F का मान -15 cm है, बराबर 1/U का मान -20 cm है, +1/ क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इसको पश्चांतर कर देंगे, -1/15, इधर पश्चांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/20 = कितना हो जाएगा, 1/V हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 × 4 = 60 हो जाएगा, -4 यहाँ लिखेंगे और +20 = 60 होता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, बराबर 1/V हो जाएगा, सवाल आप लोग भी लगाते रहिएगा, ये -4 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा, बराबर 1/V हो जाएगा, या V बराबर कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा सेंटीमीटर, अब V आ गया, हमें V तो पता नहीं करना है, निकालना क्या है, एच आई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है आपका, एच ओ अपान एच आई, चाहे आप यहाँ पे लिखें, सॉरी यहाँ पे I/O होता है, I/O लिखिए या फिर HO/HI, H फॉर हाइट, I फॉर इमेज, इमेज की हाइट हो गया, इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और दर्पण नहीं कह रहा है, चलिए ठीक है ऐसे लिख देंगे, -V/U हो जाएगा, मान रख देते हैं सभी काम, HI निकालना है हमको,
बटे एच ओ का मान कितना है आपका, एच ओ का मान दिया है 1 सेंटीमीटर रख देते हैं बराबर माइनस, ये देखिएगा क्या दिया है, वी का मान अभी निकाले हैं हम लोग, क्या है 60 है तो ये प्लस हो जाएगा, और यू का मान किसमें दिया है, -20 दिया हुआ है तो -20 रखेंगे तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 से 0 कट गया, 2 × 6 आपका एच आई बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, इनकी आपका इमेज की लंबाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है, ये इसका आवर्धन मैग्निफिकेशन होकर के इसका जो इमेज की हाइट बन गया कितना हो गया 3 सेंटीमीटर लगा लेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से नोट करते हुए चलिएगा। फिर अगला सवाल है आपका, कह रहा है एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 2 मीटर है, R बराबर क्या कह रहा है 2 मीटर है, वाहन के पीछे की ओर एक ट्रक नियत दूरी से, आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं कार चलाते हैं बगल में जो दर्पण लगा होता है, हम बताए थे आपको उत्तल दर्पण होता है, और पीछे से गाड़ी आ रही है एक ट्रक आ रहा है, आप बाइक चला रहे हैं और पीछे से एक ट्रक आ रहा है, कितनी दूरी पर है, वो कह रहा है यू बराबर कितनी दूरी पर है, नियत दूरी 3.5 मीटर दूरी से आ रहा है, U बराबर कह दे रहा है 3.5 मीटर की दूरी से पीछे एक ट्रक आ रहा है जो कि आपको आपके मोटरसाइकिल के शीशे में दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण होता है, R बराबर 2 मीटर दिया है, यहाँ से आप फोकस दूरी F निकाल सकते हैं, F बराबर R मान 2 होता है, R का मान 2 दिया है बटे 2 कितना हो जाएगा, F का मान 1 मीटर आ जाएगा, इसका मात्रक मीटर में आएगा, U बराबर 3.5 मीटर दिया हुआ है, तो देखिएगा उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में U का मान 3.5 है, लेकिन U का मान किस में रखेंगे, निगेटिव में रखते हैं, तो U बराबर क्या हो जाएगा -3.5 हो जाएगा, F का मान 1 मीटर सही है आपका, V निकालना है आपका, V क्या होगा, तो V आपका हो जाएगा प्रतिबिंब, तो आप जानते ही उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, पीछे आप वैसे भी चलाते होंगे गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे देखे होंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है ना कि उसका उल्टा बनता है, सीधा बनता है, जिस तरह ट्रक आता है वैसे ही उसका प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन इसका जो कितनी दूरी पर बनेगा निकालना चाहते हैं हम, तो 1/f बराबर 1/ क्या हो जाएगा U प्लस 1/V हो जाएगा, 1/f यानी कि 1/1 बराबर 1/V का मान -3.5 है, रख देंगे 1/V, फिर इसको पश्चांतर करते हैं, यहाँ पे -1/ क्या हो जाएगा 3.5, ये आपका माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 1/ क्या हो जाएगा V हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसी को, एलसीएम वही होगा 3.5 इसका हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.5, और यहाँ पे जोड़ेंगे जब गुणा कराएंगे तो 3.5, इसको भाग करेंगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा आपका, ये आपका इतना हो जाएगा, फिर 4.5 इसको जोड़ेंगे 3.5 और 4.5 हो जाता है 3.5 बराबर कितना हो जाएगा 1/U, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, देखिएगा 5×7=35 और 5×9=45 यानी कि 9/7 हो गया, या फिर V का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ से, तो 9/7 बराबर क्या हो गया 1/V हो गया, या फिर इसको पलट देते हैं V बराबर कितना हो जाएगा 7/9, इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 9/7 करेंगे कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 9×9=63 हो जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ ऐसे समथिंग में आ जाएगा, आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा 0.77 ही ऐसे आ जाएगा, फिर अगला 7 आएगा यहाँ पर, फिर अगला 7 आएगा तो 7 ऐसे कुछ समथिंग में आ जाएगा, कोटिमान मिलेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर लिख दीजिएगा, मात्रक जरूर लिखा करिएगा, ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जैसे भी है। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 मीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, हम बताए थे जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है तो वो कहाँ बनेगा आपका, आप जानते हैं वो बनता है सेंटर पे बनता है, किसके अवतल दर्पण के जब सेंटर पे होता है, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, किसी कटे हुए गोले का भाग है ये, इसका सेंटर है ये, वस्तु का वस्तु रखा हुआ है, इसके नीचे भी जब बनना है तो ये कहाँ बनेगा, सेंटर पे ये चीज बनता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की शायद दूरी दे दिया है आपको, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी कि यू देखिएगा ये वस्तु हो गया और ये उसका क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु और प्रतिबिंब यानी कि दोनों की लंबाई U बराबर 30 दिया है और V बराबर भी कितना दिया है 30 दिया है, दोनों का मान क्या है समान है, लेकिन ये अवतल दर्पण कह रहा है कि ये दर्पण कैसा है अवतल दर्पण है, तो इसका मान किस में रखेंगे आप, माइनस में रखेंगे, निकालना क्या है आपका F नहीं निकालना है, क्या निकालना है
रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है, सिंपल सा है आपका, m बराबर क्या हो जाएगा, आपका सूत्र होता है माइनस v अपान u होता है, या m बराबर क्या रखेंगे, माइनस v का मान माइनस 30 दिया है और u का मान माइनस 30 दिया है, काट देंगे दोनों, बचेगा क्या आपका, देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस ये बचा और यहाँ कट गया, कितना आया, सिर्फ एक आया, एक बटा एक मतलब एक होता है, और मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने गुरु दक्षिणा के रूप में इसको शेयर करते रहिएगा, जितना ही शेयर करेंगे उतना ही तेजी से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।